दोस्तों जो मोस्ट अवेटेड अनाउंसमेंट था कि TSM FTX किस टीम को एक्वायर कर रही है, रिसेंटली पता चला था हमें लीक्स के द्वारा, मैंने वीडियो में भी बताया था कि स्टेलबर ईस्पोर्ट्स को वो एक्वायर कर सकती है। उसके बाद बहुत सारे एलिगेशन लग गए उन पर हैकिंग के और बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, तो इसकी वजह से बहुत लोग को लग रहा था कि यार स्टेलबर ईस्पोर्ट्स को वो ड्रॉप कर देगी, उनको बैन मिल सकता है। लेकिन फाइनली स्टेलबर ईस्पोर्ट्स को एक्वायर कर लिया TSM ने। बहुत सारे रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता चला था कि रॉबिन थे जो जिन्होंने हैकिंग करी थी, जिन्होंने पूरा ये सब जाल रचा था। तो TSM के द्वारा अनाउंसमेंट आ गई कि रॉबिन को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स स्टेलबर ईस्पोर्ट्स के आ चुके हैं इसमें, जो कि है एक्वन, एक्सो, निंजा, ब्लेज, शेडो। हमको पता है TSM मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। उन्होंने अगर एंटिटी को ड्रॉप किया और स्टेलबर ईस्पोर्ट्स को एक्वायर किया तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा यार। सो देखते हैं कि यार ये राइजिंग स्टार कितना राइज करते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं जब TSM का नाम इन पर आ जाता है। तो साथ ही जो एक्स TSM एंटिटी थी उसका अनाउंसमेंट और BGMI रोस्टर अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएंगे, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन लीक्स के द्वारा हम सबको पता है कि गॉडलाइक के साथ एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगी और अनाउंसमेंट होने वाला है। सो क्रॉन्टन के द्वारा पता चला है हमको कि गॉडलाइक का अनाउंसमेंट 10-15 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है वो कौन सी होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही अगर आप एक्साइटेड हो कि यार गॉडलाइक के साथ कौन सा इंटरनेशनल नाम जुड़ने वाला है, क्योंकि रिसेंटली क्रॉन्टन ने ये भी बोला था कि अभी जर्सी प्रिंट होने गई है तो हो सकता है कि टाइम लग जाए, लेकिन उसने डेट कंफर्म बता दी कि 10-15 अगस्त के बीच में हमको अनाउंसमेंट देखने मिलेगी। सो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।